गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, पिछले वीडियो में आपको चैप्टर 7 संकल्प सिद्धायक पढ़ाया था। हमने आपको बताया था इसमें पार्वती जो थी वो भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए गौरी सिंह पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाती है। उसकी माँ उनकी माता उन्हें मना करती है, बोलती घर पे रहकर मैं तपस्या कर सकती हूँ, लेकिन पार्वती नहीं मानती है और गौरी सिंह पर्वत पर तपस्या करने के लिए अपनी सहेली के साथ सहेली का नाम है विजया उनके साथ चली जाती है। वहां पर कठिन तपस्या करती है, उनकी तपस्या के प्रभाव से जो हिंसक जानवर थे वो भी उनके मित्र बन जाते हैं, लेकिन शिव उन्हें दर्शन नहीं देते। हम उसके आगे पढ़ेंगे। अब देखिए पेज नंबर 36 में विजया से, विजया वटो हे वट स्वागतम ते, आपका स्वागत है उपविष्टि भगवान, आप बैठिए। विजया कहती है हे वट स्वागत है आपका, आप बैठिए। सखी पार्वती, यह मेरी सहेली है पार्वती, शिव प्राप्त अति तप करोती, शिव को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। विद्या ने कहा हे वट आपका स्वागत है, आप यहाँ बैठिए, यह मेरी सहेली पार्वती है और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। तो वटों ने कहा हे तपस्विनी, हे तपस्विनी किम क्रियता पूजा कर उपकरण वर्ते, किस लिए पूजा कर रही हो। स्नानार्थम जलम सुभम, स्नान के लिए जल मिलेगा। भोजनार्थम फल वर्ते, भोजन के लिए फल है। तुम तो जानासि एव शरीरम अद्य करु धर्म साधनम, तुम तो जानती हो कि शरीर ही एक धर्म का साधन है, मतलब अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो यह धर्म के कार्य कर पाओगे, अगर आप खुद ही बीमार हो तो कहां से धर्म के कार्य करोगे। पार्वती कुछ नहीं, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है, उनकी बातें सुनती रहती है। वटु बोलता है हे तपस्विनी कि मरता हूं तप तपसी, फिर बोलता है हे तपस्विनी किस लिए तपस्या कर रही हो, शिवाय उस शिव के लिए, भगवान शिव के लिए। पार्वती पुनः उसने दृष्टि, पार्वती दोबारा चुपचाप बैठ जाती है। विजया बोलती है आकुली हुए आकुल व्याकुल होकर आम हाँ तस्में एक तपे तपती, उसी के लिए तपस्या कर रही है। विजया देती जवाब, पार्वती चुपचाप तपस्या करती रहती है तो विजया जवाब देती है हाँ उन्हीं के लिए तपस्या कर रही है। वटू रूपधारी शिव सहसे उच्चे उपस्थिति, जो वट का रूप धारण कर रखा था भगवान शिव ने वो जोर से अचानक हंसते हैं। वटू बोलते हैं अई पार्वती, अरे पार्वती सत्य में तो शिव पति इच्छसी, सत्य है कि तुम पति को, तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो, ये सत्य है कि तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। हंसते हुए नामना शिव अन्यथा अशिव, नाम के शिव है अन्यथा वो अशिव है, मतलब अकल्याणकारी है। शमशान अवस्थी, शमशान में रहते हो तो यसे तीन नेत्राणी, उनके तीन तो आंखें, वसन व्याप चरण कपड़े बाघ की चमड़ी के, अंगराग चिता भस्म जो चिता है राग है वो पूरे शरीर पर लपेट लगाते हो, परिजनाश से भूतगणा और उसके परिजन उसके जो घर वाले है परिवार वाले वो भूतगण है भूत पिशाच है। किम तमेव शिव पति, क्या तुम उसी शिव को पति की रूप में पाना चाहती हो जो शिव शमशान में रहता है, जिसकी तीन आंखें है, जो बाघ की जो चमड़ी होती है उसका उन्होंने वस्त्र बना रखा है, जिसके परिवार वाले भूत है भूतगण है ना, और जो अपने शरीर पर पूरी भस्म लगा के रखता है, तो क्या तुम उस शिव को पति की रूप में पाना चाहती हो। पार्वती बोलती थोड़ी तो कर, अरे वाचाल, अरे बहुत अधिक बोलने वाले अपशब्द को, जबकि न को अपनी शिव से यथार्थ स्वरूप जानती, इस संसार में कौन ऐसा है जो भगवान शिव के स्वरूप को नहीं जानता है, इस संसार में कौन भगवान शिव के असली रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव अस्ति, तुम जैसे हो वैसा ही बोल रहे हो, तुम जैसे हो वैसा ही बोल रहे हो, इस संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो भगवान शिव के रूप को नहीं जानता है। विजया प्रति, विजया की ओर देखकर सखी चलो, यह निंदा करोती, यह निंदा कर रहा है, ये भगवान शिव की कर रहा है निंदा कर रहा है, शायद तू पाप भागम होती तो वह तो पाप का भागी है, जो निंदा करता है ना भगवान, जो निंदा करता है जो बुराई करता है वो तो पाप का भागी होता ही है। यह श्रोति जो सुनता है ना वो भी पाप का भागी होता है, जो निंदा कर जो बुराई करता है वो तो पाप का भागीदार होता है, लेकिन जो उस निंदा को सुनता है वो भी पाप का भागीदार होता है। ऐसा किसने कहा, शिव ने, माता शिव ने, माता पार्वती ने। पार्वती द्रुत गति से निष्कंपती, पार्वती तेज गति से जाने लगती है। जब वटू
भगवान शिव की निंदा कर रहा था, बुराई कर रहा था कि तुम उस शिव को प्राणा चाहती हो जिसकी तीन तीन तो आंखें है, शमशान में वो रहता है, परिवार वाले जिसके भूत है, पूरे शरीर भसड़ा के घूमता है, तो तुम उस शिव को पाना चाहती हो। तो पार्वती कहती है कि जो निंदा करता है वो पाप का भागीदार होता है, और जो उस निंदा को सुनता है वही पाप का भागीदार होता है। ऐसा कहते हो अपनी सहेली से कहती है कि हम यहाँ से चले जाना चाहिए, और वहां से वो निकल जाती है। तदेव पृष्ठते वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्या हस्तम गृणति। उसी समय पीछे जो वट का रूप धारण कर रखा था भगवान शिव ने, वो अपने असली रूप में आए थे, शिव के रूप में आए थे, और पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। उसी समय वट के रूप को छोड़कर भगवान शिव अपने असली रूप में आते हैं और पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से कांप जाती है। शिव पार्वती, हे पार्वती प्रीतो अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ, तो संकल्पे, तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हुआ, तुमने दृढ़ संकल्प किया था ना उसको तुमने पूर्ण किया, मैं उससे प्रसन्न हूँ। अद्य प्रवृत्ति अहम तौ तपोभी कृतासु अस्मि, आज से मैं तुम्हारा तपस्या के द्वारा खरीदा गया दास बन गया हूँ, आज से मैं तपस्या के द्वारा खरीदा गया तुम्हारा दास बन गया हूँ, तुम्हारा दास हूँ। विंतामा पार्वती हस्ती, वो पार्वती हस्ती है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक बार पुनः हिंदी भी देख लीजिएगा। विजया बोलती है वट आपका स्वागत है, आप यहाँ बैठिए, ये मेरी सहेली पार्वती है और शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। वट बोलता है हे तपस्विनी, स्नान के लिए जल भी मिला हुआ है, भोजन के लिए फल भी है, फिर भी आप स्नान के लिए जल है, भोजन के लिए फल है, तुम तो जानती हो कि ये शरीर ही एकमात्र साधन है, धर्म का साधन है, अगर शरीर स्वस्थ है तो ही हम धर्म के कार्य कर पाएंगे। पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। बट फिर बोलते हैं तपस्विनी, तुम किसकी तपस्या कर रही हो? भगवान शिव के लिए? पार्वती फिर भी चुप रहती है। विजया बोलती है हाँ उसी की तपस्या कर रही है। तो जो बट का रूप धारण करे भगवान शिव के, जोर से हंसते और बोलते कि तुम उसी को पाना चाहती हो जो शमशान में रहता है, तीन तीन आंखें, जिसकी है ना जिसके परिवार वाले भूतगण है। पार्वती गुस्सा होती है और बोलती है इस संसार में भगवान शिव के स्वरूप को कौन नहीं जानता है, तुम जैसे हो इसलिए तुम ऐसा ही बोल रहे हो, तुम ऐसे हो इसलिए तुम ऐसा ही बोल रहे हो, चलो हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि जो निंदा करता है वो पाप का भागीदार होता है, और जो उस निंदा को सुनता है वो ही पाप का भागीदार होता है। पार्वती तेज गति से जाने लगती है, तभी वट के रूप के धारण करे हुए भगवान शिव अपने असली रूप आ जाते हैं, वो पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती तुम्हारा संकल्प से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, आज से मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ, क्योंकि तुमने तपस्या के द्वारा मुझे खरीद लिया है। तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपको चैप्टर का अनुवाद और उसके वर्ड मीनिंग कर दिए। थैंक यू।